मोदी जी यहाँ आते हैं, मानिए कि पर्यटक की तरह भ्रमण करने आ रहे हैं, अपना कैमरा निकालते हैं और कैमरे से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और मोदी जी की कोई और फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी पहाड़ पे खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने अपना पोस्ट डाला कैमरे से फोटो खींचते हुए, पीछे गाना क्या बज रहा था उन्हीं के पोस्ट में, किसने सुना? चंबा कितनी दूर। बिल्कुल सही गाना था, क्योंकि मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से और चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। सब डरते हैं, उनके अधिकारी उनसे, उनके साथी डरते हैं, उनके मंत्री डरते हैं, जनता के बीच तो वो आते ही नहीं। आए क्या आपदा के समय? एक बार आपको मुंह नहीं दिखाया, एक पैसा नहीं भेजा इन्होंने केंद्र से, इतनी भी राशि नहीं भेजी। आपदा के समय अगर आपके पास आए तो यही कर्तव्य होता है। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा है कि नेता जनता का सेवक होता है, सेवा हमारा कर्तव्य है। आपदा के समय आपके पास आना है और इस पूरे समय में मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ये सारे नेता जो आज आपके सामने खुशी से आकर आपसे वोट मांग रहे हैं, भगवान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, ये कहां थे? इन्होंने क्या किया आपकी मदद के लिए? अपना कर्तव्य तक नहीं निभाया। लेकिन भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार ने आपको नकारा, और सिर्फ राजनीति की वजह से नकारा, सिर्फ इस वजह से नकारा कि आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। लेकिन इनकी बस चलती तो आपकी चुनी हुई सरकार, वही मंत्री जिन्होंने आपदा में आपका साथ दिया, वही लोग चले जाते और एक नई सरकार लाते और सिर्फ सत्ता के लिए राज करते। मोदी जी यहाँ आते हैं, मानिए कि पर्यटक की तरह भ्रमण करने आ रहे हैं, अपना कैमरा निकालते हैं और कैमरे से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और मोदी जी की कोई और फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी पहाड़ पे खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने अपना पोस्ट डाला कैमरे से फोटो खींचते हुए, पीछे गाना क्या बज रहा था उन्हीं के पोस्ट में, किसने सुना? चंबा कितनी दूर। बिल्कुल सही गाना था, क्योंकि मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से और चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जीते हैं, कैसे महंगाई का सामना करते हैं, कैसे बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके क्या हुनर है उन्हें यह भी नहीं मालूम। और आज जो परिस्थितियां उन्होंने देश में बनाई हैं, तो भाइयों और बहनों कोई बताएगा भी नहीं उन्हें। सब डरते हैं, उनके अधिकारी उनसे, उनके साथी डरते हैं, उनके मंत्री डरते हैं, जनता के बीच तो वो आते ही नहीं। कभी किसी किसान से नहीं पूछते कि आपकी क्या हालात हैं, कैसे जी रहे हो। कभी आकर किसी आपदा में भी एक बार पूछते नहीं है। यहाँ कितनी बड़ी आपदा हुई, मोदी जी कहते हैं कि ये उनका परिवार है, हिमाचल उनका दूसरा घर है। आए क्या आपदा के समय? एक बार आपको मुंह नहीं दिखाया। आपदा के समय आने की बात छोड़िए, एक पैसा नहीं भेजा इन्होंने केंद्र से, इतनी भी राशि नहीं भेजी कि जहां जहां आपदा हुई थी वहां मदद हो जाए। हमारी सरकार ने जितनी स्कीमें आपके लिए बनाई थी वो लगभग उस समय हमें रोकनी पड़ी, क्योंकि सरकार के सारे पैसे, सारी संपत्ति हमने आपकी जो आपदा में जो मुश्किलें हुई उनको, आपको सहूलियत पहुंचाने के लिए, आपको राहत देने के लिए डाली। आपने खुद देखा कि सरकार के एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री नीचे आ गए, जमीन पे आए। कोई कहीं पे मदद कर रहा था, कुछ लोग फंसे हुए थे, तो कोई किसी के घर जाकर देख रहा था कि नुकसान को कैसे हम कैसे राहत पहुंचा पाए। जहां जहां दुख था वो पहुंचे। और मैं ये नहीं कह रही हूं भाई और बहनों कि ये कोई बड़ी बात है, यही नेताओं का कर्तव्य होता है। आपदा के समय अगर आपके पास आए तो यही कर्तव्य होता है। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा है। पंडित नेहरू जी जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो इसी मैदान पे जो आए थे अपने जमाने में, इंदिरा जी, उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने यही सिखाया कि नेता जनता का सेवक होता है, सेवा हमारा कर्तव्य है। आपदा के समय आपके पास आना है।
आपकी मदद करनी है किसी भी तरह से, जितनी भी राशि जितनी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं हमें करनी है। और आपने देखा कि हजारों करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आई, बहुत समय में ऐसी आपदा नहीं आई थी। कितना नुकसान हुआ मैंने देखा, मैं हर जगह गई थी, मैंने देखा कि कैसे घर टूट गए थे। एक परिवार में, अभी तक मुझे याद है, एक परिवार के 6-7 सदस्य गुजर गए, मंदिर गए थे बच्चों को लेकर, और वहां 6-7 सदस्य गुजर गए। उस परिवार के बारे में सोचिए तो कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया है बस अभी इन्हीं 1-2 सालों के दौरान। और इस पूरे समय में मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ये सारे नेता जो आज आपके सामने खुशी से आकर आपसे वोट मांग रहे हैं, भगवान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, ये कहां थे? इन्होंने क्या किया आपकी मदद के लिए? अपना कर्तव्य तक नहीं निभाया, उल्टा जो राशि आनी थी वो रोक दी। आज अगर हमारी प्रदेश सरकार जो गारंटी हमने आपको दी थी उसको पूरा करने का काम कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जो आपदा आई थी उससे बहुत बोझ पड़ा है हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे। तो आप सोचिए भाइयों और बहनों कि इनकी नीयत क्या है, भाजपा के नेताओं की नीयत क्या है? क्या ये साफ नीयत है कि आप मुश्किलों में हैं, इतनी बड़ी आपदा आती है, इतना बड़ा संकट झेल रहे हैं, साल लगेंगे शायद सारी सड़कों की मरम्मत को करने में, जो जो टूटा उसको ठीक करने में, और जो गुजर गए उनके बारे में तो जीवन भर उनके परिवार के लोग उन्हें याद करेंगे और वो दुख झेलेंगे। लेकिन भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार ने आपको नकारा, और सिर्फ राजनीति की वजह से नकारा, सिर्फ इस वजह से नकारा कि आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, और उसके बाद उस सरकार को गिराने का काम भी किया, कोशिश बहुत की। ये तो हमारी सरकार एकजुट रही और हमारे विधायक एकजुट रहे काफी हद तक, इसलिए हमारी सरकार बच गई। लेकिन इनकी बस चलती तो आपकी चुनी हुई सरकार, वही मंत्री जिन्होंने आपदा में आपका साथ दिया, वही लोग चले जाते और एक नई सरकार लाते और सिर्फ सत्ता के लिए राज करते, आपका सिर्फ फायदा उठाते हैं, आपके सामने आकर आपको तरह तरह के झूठ सुनाते हैं। आनंद शर्मा जी बोल रहे थे इनके वादों के बारे में, कौन सा वादा इन्होंने पूरा रखा किया? जितने वादे किए सारे वादे तोड़े हैं। इनकी बातें न गहरी हैं और न आप इन पे भरोसा कर सकते।